Today I am going to revise chapter of civics electoral politics. In this you have read about different slogans given by different political parties while doing campaigning. तो ये पंजाब में ये इलेक्शन बेस चल रहे हैं तो अभी भी आपने सब कुछ ये नोट किया होगा कि कैसे कैसे पार्टी अपनी कैंपेनिंग करती हैं तो व्हाइल डूइंग कैंपेनिंग दे यूज डिफरेंट स्लोगन्स तो लर्न द स्लोगन्स व्हिच आर गिवन इन द बुक फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शंस इन 1971 कांग्रेस ने स्लोगन दिया था स्लोगन वॉज गिवन बाय कांग्रेस इंदिरा बाय इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी ने स्लोगन दिया था कुछ भी बताओ लोकसभा इलेक्शन के एंड इन दैट इलेक्शन इंदिरा गांधी गेव द स्लोगन गरीबी हटाओ देन इन 1977 आपको मैंने पहले बोला लोक लोक बताया था First of all, 1977 इंदिरा गांधी कांग्रेस की पार्टी ने एक स्लोगन दिया था विच वॉज द स्लोगन गरीबी हटाओ देन फिर हम कहेंगे 1977 जनता पार्टी ने एक स्लोगन दिया था दैट वाज सेव डेमोक्रेसी वाज स्लोगन गिवन बाय जनता पार्टी का अगेन इन लोकसभा इलेक्शंस ये भी लोकसभा इलेक्शंस है जनता पार्टी का जनता पार्टी लोकसभा वो कांग्रेस का है वो जनता पार्टी का स्लोगन क्या है सेव डेमोक्रेसी यहाँ पे है गरीबी हटाओ यहाँ पे है सेव डेमोक्रेसी फिर हमने सेम ईयर किया फिर यहाँ पे है लैंड टू द टिलर इन द वेस्ट बंगाल अब ये असेंबली इलेक्शन आ गए ये दोनों असेंबली इलेक्शन हैं ये लोकसभा है ये दोनों असेंबली वेस्ट बंगाल के असेंबली इलेक्शन में इन द वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन स्लोगन वॉज गिवन बाय लेफ्ट फ्रंट लेफ्ट फ्रंट वालों ने स्लोगन दिया था लैंड टू द टिलर स्लोगन लैंड टू द टिलर लेफ्ट फ्रंट वालों ने ये स्लोगन दिया लैंड टू द टिलर इंडिया में हमारे 3 अलायंसेस हैं गवर्नमेंट के एक यूपीए है एक एनडीए है और एक लेफ्ट फ्रंट है तो लेफ्ट फ्रंट वालों ने यूपीए की लीडर कांग्रेस है एनडीए की लीडर जनता भारतीय जनता पार्टी है बीजेपी लेफ्ट फ्रंट वालों ने स्लोगन दिया लैंड टू द टिलर इन द वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस विच वर हेल्ड इन 1977 लेफ्ट फ्रंट वालों ने ये स्लोगन दिया था ठीक है आप आ जाओ ये वाला इन 1983 Protect the self-respect of the Telugus. अब ये वाला स्लोगन दिया एंटी रामा राव लीडर ऑफ तेलुगु देशम पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है कहाँ की आपने बताना आंध्र प्रदेश की आंध्र प्रदेश के असेंबली इलेक्शन ये वेस्ट बंगाल के असेंबली इलेक्शन में दिया गया ये आंध्र प्रदेश के असेंबली इलेक्शन में ये वाला कौन सा स्लोगन दिया गया Protect the self-respect of the Telugus. किसने दिया एंटी रामाराव किस पार्टी के लीडर थे वो तेलुगु देशम पार्टी विच पार्टी के लीडर और इलेक्शंस कौन से स्टेट पे हो रहे थे आंध्र प्रदेश के असेंबली इलेक्शंस जो आंध्र प्रदेश ये कहाँ के थे असेंबली इलेक्शन जो वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन जो लेफ्ट फ्रंट वालों ने वाला कम्युनिस्ट पार्टी जो सीपीआई वगैरह आती हैं उन्होंने ये स्लोगन दिया कौन सा लैंड टू द टिलर तो भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा स्लोगन दिया सेव डेमोक्रेसी इन विच इलेक्शंस लोकसभा इलेक्शंस
कांग्रेस का स्लोगन गरीबी हटाओ, फिर कौन से इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन। तो इट मीन्स ड्यूरिंग इलेक्शन पार्टीज गेव वेरियस स्लोगन, और देती भी अभी भी दे रही होंगी पार्टीज अपने स्लोगन। फॉर एग्जाम्पल यू ऑल्सो रेड अबाउट हरियाणा असेंबली इलेक्शन, उसमें भी आपने पढ़ा कि वेव द लोन्स ऑफ द फार्मर्स, जब वो पावर में आएंगे वो किसके लोन को माफ कर देंगे, फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन। तो ये ऐसे वाले स्लोगन्स दे क्यों देती है पार्टीज, टू अट्रैक्ट द वोटर्स, टू मोल्ड पब्लिक ओपिनियन इन देयर फेवर। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए असेंबली इलेक्शन ये वाला कि विच स्लोगन्स वर गिवन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज व्हाइल डूइंग कैंपेनिंग, तो आप सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा व्हाई पार्टीज यूज स्लोगन्स, क्यों पार्टी स्लोगन्स यूज करती हैं। तो आपको बताना चाहिए टू अट्रैक्ट द वोटर्स एंड टू मोल्ड पब्लिक ओपिनियन इन देयर फेवर। तो पार्टीज ऑलवेज यूज वेरियस स्लोगन्स, क्यों यूज करती हैं, टू अट्रैक्ट द वोटर्स एंड टू मोल्ड पब्लिक ओपिनियन इन देयर फेवर। तो ये तो हो गया कि क्यों पार्टी स्लोगन्स यूज करती हैं। अब आपको लिखना है कि राइट द स्लोगन्स गिवन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। तो आपने बताना है 1971 कांग्रेस पार्टी गेव द स्लोगन अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी ड्यूरिंग द लोकसभा इलेक्शंस गरीबी हटाओ। फिर आपने बताना है इन 1977 जनता पार्टी गेव द स्लोगन सेव डेमोक्रेसी, विद स्लोगन सेव डेमोक्रेसी इन लोकसभा इलेक्शंस। फिर आपने बताना है इन 1977 लेफ्ट फ्रंट गेव द स्लोगन, लेफ्ट फ्रंट वालों ने कौन सा स्लोगन दिया, लैंड टू द टिलर ड्यूरिंग वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस। फिर आपने बताना है इन 1983 विच पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी गेव द स्लोगन विच स्लोगन प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज अंडर द लीडरशिप ऑफ एन टी रामाराव ड्यूरिंग द आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शंस। अब ये याद रहेगा ये दोनों लोकसभा इलेक्शन है, ये असेंबली इलेक्शन है, ये वेस्ट बंगाल के हैं, ये आंध्र प्रदेश के, इस वजह से याद करोगे, ये आपको ऐसे भूलेगा ही नहीं कभी। फिर भी आपको कोई और एक्स्ट्रा करना है तो आप कह सकते हो हरियाणा असेंबली इलेक्शन में पार्टी लोकदल पार्टी ना गेव द स्लोगन अंडर चौधरी देवीलाल टू वेव द लोन्स ऑफ द फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन, तो आप ये भी कह सकते हो, उसको भी ऐड कर सकते हो। तो नेक्स्ट इज अगर हम कहें कि इलेक्शंस, इलेक्शंस जो है वो एक्सपेंसिव है, तो बहुत खर्चा होता है उसमें, वाइल कैंपेनिंग, गवर्नमेंट मशीनरी, हर चीज में है ना, वोटर पास बनते हैं लोगों के, तो इलेक्शंस इन इंडिया आर वेरी एक्सपेंसिव। तो आपको कहा जाए कि हम इलेक्शंस नहीं करवाते, उस पैसे को लगाते हैं डेवलपमेंट पे, डू यू एग्री, तो आपने कहना कि नहीं, इलेक्शन इज द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, मस्ट बी कंडक्टेड, इफ इलेक्शंस would not be conducted, country would not remain democratic. फिर आप कहोगे on the other hand, government spend huge amount on commonwealth games and while buying submarines, government spend huge amount. Then why not own election, which is the main feature of democracy? If we see the average of the expenditure on per voter, it is only 500 rupees. So the value of 500 rupees is not more before our civil liberties. If elections will not be conducted, no civil liberties will be given to the citizens. So value of civil liberties more than 500 rupees. तो इस वजह से आप इस क्वेश्चन को जस्टिफाई करोगे कि वैल्यू सिविल लिबर्टीज की ज्यादा है, खर्चे की ज्यादा, अगर हम पर वोटर खर्चा निकालते हैं तो वो सिर्फ 500 रुपीस आता है, तो 500 रुपीस की कोई वैल्यू नहीं है हमारी सिविल लिबर्टीज के सामने। वैसे भी गवर्नमेंट इतने खर्चे करती है तो क्यों नहीं इलेक्शंस पे, जो कि उसकी डेमोक्रेसी का मेन फीचर है। तो इलेक्शन मस्ट बी कंडक्टेड इन कंट्री। फिर आपसे पूछा जाए
एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस बताओ कैंडिडेट्स की. इज देयर एनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द कैंडिडेट्स इन इंडिया? नो. या फिर आपसे पूछा जाए कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस इंडिया में होनी चाहिए कैंडिडेट्स की कि नहीं, या फिर आपसे पूछा जाए गिव योर ओपिनियन, तो आप दोनों तरह से अपने ओपिनियन दोगे. आपने कहना है इन अवर कंट्री देयर इज नो एजुकेशनल माउस, इन अवर कंट्री एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नॉट फिक्स्ड. हमारी कंट्री में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिक्स नहीं है फॉर द कैंडिडेट्स. पर्सन मस्ट हैव नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स. इफ पर्सन हैव पीपल हैव नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स एंड दे कैन कंटेस्ट इलेक्शन. गवर्नमेंट हैज डन सो बिकॉज इन अवर कंट्री सो मैनी पीपल आर इलिटरेट बट दे आर गुड इन पॉलिटिक्स. They have good knowledge about politics and government do not want to violate the rights of these people. क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं but they have good knowledge about politics. So government do not want to violate the rights of these people. That's why there is no educational qualification in our country. On the other hand, we are saying that our candidates who came in power, जो भी power में आते हैं, they came after giving a tough competition, after aap kahoge passing a tough competition, because they are selected by lakhs of voters and they are examined by lakhs of voters. So aise candidates to wo to pehle hi itna tough examination deke aaye hain, to unke liye koi educational qualification nahi honi chahiye, nahi hai. Fir ab maine bola aapko apne views dene hain, to aap kahoge but if candidate is educated, having good knowledge about politics, then they can do aap keh sakte ho miracles or wonders for the country. They can do better work for the country. So is way se aapne dono tarah se answer dena hai. Pehle to kehna hai ki no educational qualification in India. In our country there are so many people who are illiterate but have good knowledge about politics. Our government do not want to violate the right of these people. That's why there is no educational qualification. फिर आपने कहना our candidates came into power after passing a tough competition, after facing a tough competition. फिर आप कहोगे कि candidates जो power में आए हैं ना, they are examined by lakhs of voters. तो फिर आप बता दोगे कि if candidate is अपने view दोगे educated and having good knowledge about politics, then they can do better. और बेटर कर सकेंगे. तो इस वजह से आप इस आंसर को कवर करोगे. नेक्स्ट इसी में आपको अगर आ जाए हरियाणा असेंबली इलेक्शन, क्योंकि ये बुक में है तो आपको इसकी रीडिंग लेनी है. राइट नोट ऑन हरियाणा असेंबली इलेक्शन. हरियाणा में फर्स्ट ऑफ ऑल तो कौन सी पार्टी वहाँ पे रूल कर रही थी? 1982 कांग्रेस. 1982 में वहाँ पे कांग्रेस थी. 87 के जो इलेक्शन हुए तो लोकदल पार्टी वॉज बिकमिंग पॉपुलर. लीडर वास चौधरी देवीलाल. तो चौधरी देवीलाल ने एक प्रॉमिस किया विद द पीपल दैट आफ्टर कमिंग टू पावर ही वुड वेव द लोन्स ऑफ स्मॉल बिजनेसमैन एंड फार्मर्स. तो चौधरी देवीलाल वॉन द ही मेड एन अलायंस विद अदर पार्टीज. उसने हैंड ज्वाइन किए थे विद अदर पार्टीज. तो चौधरी देवीलाल जो था, जो आप कह सकते हो कि लोकदल को वहां पे 76 सीट्स मिली आउट ऑफ 90. 60 सीट इनकी अकेले की थी एंड 16 आप कह सकते हो विद द अलायंस होंगी, बिकॉज ही ज्वाइंट हैंड्स विद अदर पार्टीज बिफोर इलेक्शंस. उसे कहते हैं अलायंस. तो 76 सीट्स इन्हें 90 में से कितनी सीट्स ले गई है? उसमें से अकेली लोकदल की कितनी सीट्स थी? 16 अलायंस के साथ उसने ली होंगी, अपनी अदर पार्टीज के साथ मिलकर ली होंगी. एंड देन कांग्रेस गोट, जो कि एक रूलिंग पार्टी थी वहां पे पहले, इट गोट ओनली 5 सीट्स. उसे सिर्फ 5 सीट्स मिली. बड़ी कह लो कि मेजर उसकी डिफीट हुई थी इस इलेक्शन में, क्योंकि सिर्फ 5 सीट्स आउट ऑफ 90. तो कितनी अनपॉपुलर होगी होगी उन दिनों वहां पे कांग्रेस, और लोक दल कितनी पॉपुलर होगी होगी, क्योंकि अभी मैंने बोला कि ये जो स्लोगन्स इशू करती है ना पार्टीज, क्यों करती हैं? टू ट्रैक द वोटर एंड टू मोल्ड पब्लिक ओपिनियन इन देयर फेवर. तो लोग पार्टी चेंज कर लेते हैं, कभी किसी को वोट दे दी, अगले 5 सालों के बाद किसी और को वोट दे दी.
तो ऐसे ही वहां पे भी हुआ। अब चौधरी देवीलाल पावर में आ गया, आते इसने लोन वेव कर दिए फार्मर्स के, बट फिर हम कहेंगे हिज पार्टी रूल्ड ओनली फॉर 4 ईयर्स। दोबारा कौन सी पार्टी पावर में आ गई? कांग्रेस। बिकॉज हम हमेशा आपको पता है कि पीपल नेवर गेट सेटिस्फाइड बाय द पॉलिटिकल पार्टी, बाय देयर गवर्नमेंट, दे ऑलवेज क्रिटिसाइज देयर पावर होल्डर्स। कभी भी लोग सेटिस्फाइड नहीं होते, दे क्रिटिसाइज देयर पावर होल्डर्स बिकॉज दे वॉन्ट टू मेक दम बेस्ट। क्योंकि वो पावर होल्डर्स को कभी सुना है गवर्नमेंट इज बेस्ट, गवर्नमेंट इज परफॉर्मिंग बेस्ट? नो, लोग कभी नहीं करते। ऐसा क्यों है? बिकॉज पीपल वॉन्ट टू मेक देअर गवर्नमेंट बेस्ट, बिकॉज पावर्स आर इन द हैंड्स ऑफ पीपल, दे सेलेक्ट द कैंडिडेट्स एंड दे हैव फुल राइट टू क्रिटिसाइज दैम। उनके पास पूरा राइट है, उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, दे कैन चेंज द गवर्नमेंट इन द नेक्स्ट इलेक्शन, दे कैन वोट फॉर अदर्स। तो इस वजह से हम कहेंगे कि वहां पे फिर कांग्रेस आ गई आफ्टर 4 ईयर्स। ये तो 4 ईयर्स भी नहीं रूल करके गए, इतने अच्छे प्रोमिसेस के साथ आए और किया भी, बट फिर कौन आ गई? कांग्रेस। तो ये चलता रहता पॉलिटिक्स में, कभी कोई पार्टी कभी कोई पार्टी, तो ये तो चलता ही रहता। तो हरियाणा असेंबली इलेक्शन आए, तो कैन यू राइट इसमें कौन से ईयर्स आपको लर्न करने हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल 1982 में कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस। फिर 1987 में क्या हुए? इलेक्शंस। और इस बार कौन पॉपुलर था? लोकदल। लोकदल का लीडर चौधरी देवी, उसने एक मूवमेंट भी लॉन्च की थी, दैट वाज न्याय युद्ध, जस्ट स्ट्रगल फॉर जस्टिस। तो चौधरी देवीलाल ने प्रॉमिस किया विद द पीपल दैट आफ्टर कमिंग टू पावर ही वुड वेव द लोन ऑफ फार्मर्स। तो चौधरी देवीलाल वॉन द 76 सीट्स आउट ऑफ 90 विद द लाइज। His party Lokdal won only won 60 seats, and with the other parties they won 16 seats. Allies jo the, Congress won only 5 seats. So when he came to power in the first session of his parliament, he waived the loans of the farmers. Usne sab kuch abhi fulfilled his promises. Aap ye keh sakte ho, usne apne promises ko pura kiya. तो फर्स्ट मीटिंग में, कैबिनेट की फर्स्ट मीटिंग में ही फुलफिल्ड द प्रॉमिसेस, बट हिज पार्टी रूल्ड ओनली 4। आफ्टर हिज पार्टी अगेन देयर केम कांग्रेस, तो कांग्रेस दोबारा पावर में आ गई। तो दिस इज अबाउट हरियाणा लोकसभा इलेक्शन, असेंबली इलेक्शंस पे नोट आ जाए तो आपने इसमें से लिखना, या इसमें से 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको मूवमेंट पूछ सकते हैं किसने लॉन्च की, वो किस पार्टी के लीडर थे, ये 2 मार्क में कन्वर्ट होके आ सकते हैं। तो इस वजह से आपने इसको लर्न करना, ठीक है। नेक्स्ट इज इलेक्शन सिस्टम जो है, ये इलेक्शंस करवाता कौन है इंडिया में? इलेक्शन कमीशन। कौन से आर्टिकल में मैंशनड अबाउट इलेक्शन कमीशन? आर्टिकल 324 में मैंशनड है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट द इलेक्शन कमीशन। कितने मेंबर्स? 3, एंड दे आर अपॉइंटेड बाय President. Their tenure is 5-6 years. Their tenure is 6 years. अब वो क्या क्या functions करते हैं, you know it very well. Parties को recognition देते हैं national and regional. और फिर आप बताओगे कि क्या क्या करते हैं, voters list prepare करते हैं और date of elections. तो देखो पंजाब में election commission ने date पहले कौन सी रखी थी? Change कर दी ना, तो ये किसके हाथ में है सब कुछ? इलेक्शन कमीशन। तो फिर हम कहेंगे कि वो चेक करते हैं गवर्नमेंट मशीनरी कि वो प्रॉपर वर्किंग है कि नहीं, जैसे कि हम कहें ईवीएम कि लोग वोट डालने गए और ईवीएम आगे से वर्किंग ही ना हो, फिर तो ये सब कुछ ऑलरेडी पहले से चेक किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो उसे ठीक किया जाता है। फिर साथ में हम कहेंगे गवर्नमेंट व्हीकल्स भी चेक होते हैं। व्हीकल्स मीन्स कि कोई मिसयूज तो नहीं कर रही, मोस्टली मिसयूज कौन करता होता है? रूलिंग पार्टी, क्योंकि रूलिंग पार्टी के हाथ में पावर एट प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल इन पंजाब कांग्रेस इज रूलिंग पार्टी, तो कहीं पे वो मिसयूज तो नहीं कर रही अपनी पावर को, तो ये सब कुछ चेक किया जाता है। तो फिर हम कहेंगे रिगिंग नहीं होती, इलेक्शन कमीशन चेक रिगिंग ड्यूरिंग इलेक्शंस के कोई बूथ कैप्चरिंग या फ्रॉड तो नहीं हो रहे, तो ये सारे काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। अलॉट सिंबल्स, रिकॉग्निशन टू पार्टीज एज नेशनल एंड रीजनल, ये सब इलेक्शन कमीशन करता है। तो इलेक्शन कमीशन के बारे में आए तो कैन राइट कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की पावर्स का भी एक पॉइंट है ये, प्रेसिडेंट अपॉइंट सम मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन, ये उसकी पावर भी है प्रेसिडेंट की भी।
नेक्स्ट, कौन से चैलेंजेस हमारे इलेक्शन सिस्टम को फेस करने पड़ रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्सपेंसिव है इलेक्शंस, फिर और क्या कौन से चैलेंजेस हैं हमारे इलेक्शन? लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, और क्योंकि कैंडिडेट्स जो आते हैं जो मनी एंड मसल पावर यूज होती है ड्यूरिंग इलेक्शंस, और वोटर्स को नो मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स, क्योंकि सारी पार्टीज की आइडियोलॉजी क्या होती जा रही है सेम, तो वोटर्स जो है ना आज की डेट में वो कंफ्यूज है, दे डू नॉट नो इन हुज फेवर दे हैव टू कास्ट देयर वोट, और हम डायनेस्टिक सक्सेशन पार्टीज अपने कैंडिडेट्स रिलेटिव्स को ही पावर में लाती हैं तो ट्रू कैंडिडेट्स आते ही नहीं है। फिर हम कहेंगे लो पोलिंग परसेंटेज, ये सबसे एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि लोग ही अपनी वोट डालने नहीं चाहते, पार्टीज तो चलो जो करती करती हैं, लोगों को तो अवेयर होना चाहिए, पीपल शुड कास्ट देयर वोट, पीपल शुड नो द वैल्यू ऑफ देयर वोट, वोटिंग शुड बी 100%, अगर वोटिंग 100%, हमारी कंट्री में वोटिंग या तो 75-80 रहती है, 20% लोग अभी भी अपना वोट यूज नहीं करते, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट्स हु आर रूलिंग दे आर नॉट ट्रू कैंडिडेट्स बिकॉज दे आर नॉट इलेक्टेड बाई 20% पीपल। तो अगर हमें ट्रू रिप्रेजेंटेटिव चाहिए ना तो 100% वोटिंग शुड बी देयर, लोगों में अवेयरनेस। अब आप मुझे अपनी सजेशन दो कि हाउ टू ब्रिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल, लोगों को कैसे अवेयर किया जाए, कैसे अवेयर किया जाए बताओ। वेरी गुड, थ्रू कैंपेनिंग, और यस बाय हम आप कह सकते हो कि लेक्चर डिलीवर थ्रू देयर लेक्चर्स, जो पार्ट कैंडिडेट्स अपने लेक्चर डिलीवर करते हैं उसके थ्रू, और जनरल इश्यूज लेके चलें, किसी एक रिलीजन को हाईलाइट ना करें, है ना, सेक्रेट सिंबल्स भी नहीं यूज करते ये लोग, तो इस वजह से अगर जनरल पब्लिक को साथ लेके चलेंगे तो, और साथ में अगर वीकर सेक्शंस हैं तो उनकी डिमांड्स को भी पूरा करें, तो इस वजह से हम कहेंगे कि लोगों को अवेयर किया जा सकता है, लोगों को ये कहा जा सकता है कि इफ यू वॉन्ट ट्रू डेमोक्रेसी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स देन कास्ट योर वोट, तो आप अपना वोट जरूर डालो ताकि ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स आगे आए और डेमोक्रेसी जो है ना वो प्रॉपर, हम कहें कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो है ना वो प्रॉपर अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट रहे। अकाउंटेबल मीन्स आंसरेबल, कि वो लोगों को आंसरेबल, इफ रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय पीपल तो दे आर आंसरेबल टू द पीपल आल्सो, बिकॉज इन द नेक्स्ट, इफ दे आर नॉट आंसरेबल टू द पीपल इन द नेक्स्ट इलेक्शन पीपल वुड नॉट इलेक्ट देम, लोग उनकी फेवर में वोट ही नहीं करेंगे, तो इलेक्शन ही नहीं आंसरेबल बनाते हैं, वो रेस्पॉन्सिबल भी है, वो डिसीजन जो भी लेते हैं दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन टेकन बाय देम, फिर लेजिटिमेट भी है ना हमारी गवर्नमेंट, क्योंकि लोग ही तो इलेक्ट करते हैं, तो लोगों लोग अपनी वोट ही नहीं डालेंगे तो फिर वो कैसे ट्रू कैंडिडेट्स को आगे लाएंगे, तो पीपल शुड कास्ट देयर वोट, इट इज कंपल्सरी, पीपल शुड नो द वैल्यू ऑफ देयर वोट, पीपल शुड नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू कास्ट रिलीजन वाइल कास्टिंग वोट, दे शुड गिव इम्पोर्टेंस टू द पोलिटिकल पार्टी, दे शुड गिव इम्पोर्टेंस टू द कैंडिडेट, दे शुड सिलेक्ट द ट्रू कैंडिडेट्स, कास्ट रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए जब हम वोट डालने जाते हैं, कई बार लोग क्या करते हैं कास्ट एंड रिलीजन को साथ लेके चलते हैं, वो अपने रिलीजन के कैंडिडेट को वोट डालते हैं, कई बार क्या होता है कास्ट को देखते हैं लोग वाइल कास्टिंग वोट, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, पीपल शुड कास्ट देयर, उनकी अटैचमेंट जो है ना वो कास्ट और रिलीजन के साथ नहीं होनी चाहिए वाइल कास्टिंग वोट, वो अपनी पार्टी के साथ होनी चाहिए, पार्टी पॉलिटिकल पार्टी, उनको पता होना चाहिए कि विच पार्टी कौन सी पार्टी बेस्ट परफॉर्म करेगी, लोगों को उसी पार्टी की फेवर में वोट करनी चाहिए, तो अगर लोग ही अपनी वोट की वैल्यू समझेंगे, से नो टू ब्राइब है ना, तो अगर लोग ही नो टू मनी एंड मसल पावर, अगर ये सारा कुछ आ जाएगा पॉलिटिक्स में तो अपने आप सोचो आने वाली गवर्नमेंट कैसी होगी, अगर रिश्वत नहीं वोटर्स नहीं करेंगे ऐसे काम, तो अगर हम कहें कि सब कुछ फॉलो किया जाए तो ट्रू कैंडिडेट्स कैन कम इन पावर, एंड ट्रू कैंडिडेट्स आएंगे 100% वोटिंग के साथ आएंगे तो वो कैंडिडेट्स बेस्ट परफॉर्म करेंगे, क्योंकि उनको 100% जो वोटिंग के थ्रू वो पावर में आए हैं। नो इज इट क्लियर, तो इस वे से आपने इसको लर्न करना है।